नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आज बेहद ही खास विषय पर। हम बात करेंगे नीम की। नीम के वैसे तो आपने बहुत सारे त्वचा से संबंधित उपाय सुने होंगे, जैसे कि दाग धब्बे मुआसे नहीं आते, यानी कि अगर आपको पिंपल्स, एक्ने या डार्क स्पॉट्स की परेशानी है तो नीम इन सब चीज़ों को हटा देती है ना। मगर क्या आप जानते हैं कि नीम जो है आपके जीवन में जितने भी दोष होते हैं, चाहे वो मंगल दोष हो, चाहे वो राहु केतु दोष हो, चाहे वो शनि दोष हो, इन सबको भी समाप्त कर देता है। आपके जीवन से पितृ दोष, वास्तु दोष आपके घर से, इन सब चीज़ों को भी समाप्त करता है। कैसे? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके घर में अगर नकारात्मकता है तो ये नकारात्मकता भी चली जाती है। अब भूत प्रेत बाधा है तो वो भी समाप्त हो जाती है। कैसे होती है ये चलिए जान लेते हैं। तो घर में अगर नीम का पौधा लगाया जाए तो ऐसा कहा जाता है माँ दुर्गा का वास होता है, क्योंकि नीम के पौधे में माँ दुर्गा का वास माना जाता है। वहीं पर माँ दुर्गा को आपने कभी ना कभी अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से या किसी भी ऐसे धर्म स्थान पे, या आप खुद भी जानते हो, निमाड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है। निमाड़ी देवी यानी नीम पर वास करने वाली देवी माँ दुर्गा। तो नीम का पौधा घर में लगाने से एक तो वास्तु दोष समाप्त होता है, दूसरी चीज जिस घर में नीम का पौधा होता है उस घर से भूत प्रेत नेगेटिविटी जो है कोसों मील दूर रहती है। पितृ जो है, अगर पितृ दोष है आपकी कुंडली में या वैसे भी आपको लगता है कि पितृ से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आती है तो वो भी समाप्त हो जाती है। पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं। माँ दुर्गा का वास हमेशा सदैव बना रहता है, जिसकी वजह से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, घर में जो कलह होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और अगर घर की महिलाएं बहुत ज़्यादा कलेश करती हैं या बहुत सारे जो पुरुष होते हैं उनकी ये परेशानी होती है कि घर की महिलाओं के बीच में, चाहे वो सास बहू है, चाहे वो नंद दौरानी जेठानी है, चाहे वो नंद और भाभी हैं, चाहे वो कोई भी महिलाएं घर में हैं, आपस में बहनें हैं, चाहे कोई भी रिश्ता है, आपस में खुश नहीं रह पाते हैं, तो वो भी आपस में खुश रह पाएंगे, वहीं पर आप लोगों को भी खुश कर पाएंगे। तो इसलिए नीम का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। अब नीम के पौधे के कुछ मैं ऐसे आपको दो तीन उपाय बताने जा रही हूँ जिनको करने से आपके घर में हमेशा खुशहाली का माहौल बना रहेगा और आपके जीवन में, चाहे वो शनि दोष हो, राहु केतु दोष हो, पितृ दोष हो, मंगल दोष हो, कोई भी दोष हो, ये सब चीज़ें जो हैं इनका प्रभाव कम हो जाएगा। करना क्या है, नियमित रूप से शाम के समय में जब नीम का पौधा आप घर में लगाते हैं तो नीम का पेड़ जो है कभी ना कभी उसकी पत्तियां गिरती हैं या उसकी पत्तियां आप तोड़ लीजिए, उनको सुखा लीजिए। अब उसको सुखाने के बाद ये आपको नियमित रूप से करना है कि दो चार पत्तियां आपको डेली तोड़नी है और इसको सुखाते रहना है। और इसके बाद इसको सुखा करके आप जो है घर में कपूर रख करके इसको शाम के समय में जला दीजिए। ऐसा आप देखेंगे, अगर नियमित रूप से ये उपाय आप 7 दिन करते हैं तो घर में नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। अगर घर में किसी व्यक्ति को डर लगता है, कोई परेशानी होती है, तो वो चीज़ नहीं होगी। दूसरी चीज़, घर में अगर भूत प्रेत बाधा या कोई भी ऐसी परेशानी है तो वो भी चीज़ समाप्त हो जाएगी। दूसरा उपाय, घर में अगर आप नीम का पौधा ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो इससे माँ दुर्गा की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। तीसरा उपाय, अगर घर में आप मेन चौखट पे नीम की डंडियाँ, नीम की टहनियाँ यानी कि अगर आप पत्ते वाली लटका करके रखते हैं तो घर में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा नेगेटिव आता है जो आपके घर को नज़र लगाता है या आपको लगता है कि कोई ऐसा नेगेटिव व्यक्ति आ रहा है जिसके आने से घर में कलह हो रहा है, तो वो कलह भी नहीं होता। चौथी चीज़, अगर आप घर में नीम के पौधे की डंडियों का हवन करते हैं, जैसे कि अगर नीम का पौधा सूख भी जाता है तो उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, नया नीम का पौधा ले आइए और उसकी जो डंडियां हैं उसको तोड़ लीजिए छोटा छोटा करके, और उसके बाद उसका हवन आप घर में कीजिए या हवन करते समय नीम की लकड़ी की आहुति आप दे दें, तो ऐसा करने से आपकी कुंडली बैठा हुआ राहु केतु दोष समाप्त हो जाएगा। वहीं पर शनिवार को नीम की लकड़ी की छोटी छोटी लकड़ियों की तोड़ करके आपको एक माला बना लेनी है, या फिर एक छोटी सी नीम की लकड़ी तोड़ करके उसको हरे रंग के कपड़े में बांध करके आप अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से शनि दोष भी समाप्त हो जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं
जो आप नीम से कर सकते हैं, त्वचा तो खूबसूरत बना ही सकते हैं, साथ साथ अपनी किस्मत भी चमका सकते हैं। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये उपाय बहुत अच्छे लगे होंगे और ये आपका जीवन संवारेंगे। तो इसीलिए अपना जीवन संवारिए, अपनी त्वचा संवारिए और अपनी खूबसूरती को बढ़ाइए नीम के साथ साथ। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। नमस्कार, जय श्री राधे।